नमस्कार मित्रों, देवसैनी यानी प्रबोधिनी एकादशी की कहानी समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। 23 नवंबर 2023 गुरुवार को इस एकादशी का दिन है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय राजा था, उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, एकादशी को कोई भी अन्न ना बेचता। तभी राजा के यहाँ भगवान आते और कृपा करते, सभी फलहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशित हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना सगा संबंधी नहीं है, इस और किससे मैं सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा संपूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उसने उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया, बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने राज्य में मांस मछली आदि पकवान तथा परोस कर राजा को खाने के लिए दिया और कहा, इसे खाओ। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा और कारण पर माँ ने बताया। माँ ने उसे सारी परिस्थितियां बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो वह बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को दिया और विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। देव एकादशी और तुलसी विवाह की दूसरी कहानी इस प्रकार है। शंखासुर नामक राक्षस की शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध कई वर्षों चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और तभी से सभी देवता भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने लगे। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक उसने संतान न होने का दुख सहा और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री विष्णु कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान देने से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम था शंखासुर। बड़ा होकर शंखासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसे वरदान देते हैं। तब शंखासुर वरदान मांगकर हमेशा के लिए अजर अमर होना चाहता और कहता है उसे कोई देवता मार ना पाए। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया और कहा, वह आदरी वन नामक धर्मध्वजा की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले, तो तब तक वो मर नहीं सकता। सुनने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानों, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नरों, मनुष्य और त्रिलोकी के सभी प्राणियों को हरा दिया। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, यानी विष्णु। शंखासुर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास उन्हें लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखासुर की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथा नामक गण को अपना
दूत बनाकर शंखासुर के पास भेजा। चित्रथा शंखासुर को समझाता है, वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखासुर मना कर देता है और वह महेश्वर से युद्ध लड़ना चाहता है। भगवान शिव को जब इस बात की पता चली तो वे युद्ध के लिए अपने सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखासुर का बाल बांका ना हुआ। भगवान शिव ने शंखासुर का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखासुर के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का शरीर खंडित नहीं होता है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखासुर के पास गए और उनसे श्री हरि यानी विष्णु कवच मांग लिया। शंखासुर ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखासुर का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। शंखासुर रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का शत्रुत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखासुर का वध कर डाला। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं। तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, अपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आपने पत्थरों जैसा कर्म किया है और पाषाण हो जाएं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बहकर गंडिका नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओ और सदा मेरे साथ रहो। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह जो संपन्न कराएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने से पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी की व्रत और पूजा में देव शयनी एकादशी के बाद देव उठैनी एकादशी के दिन ये व्रत किया जाता है। महिलाएं स्नान करने के बाद आंगन में चौका लगाएं, विष्णु भगवान के चरण कलात्मक रूप बनाएं, फिर दिन में धूप से भगवान विष्णु की पूजन करें, रात्रि में भगवान का पाठ और भगवान की संग ध्वनि बीड़ा बजाते हुए पूजा अर्चना। पूजा मंदिर या सिंहासन बनाकर कहीं पर भी आस्था के साथ किया जा सकता है, जिसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार फल पकवान सिंघाड़े आदि चढ़ाकर ढक दें और भगवान विष्णु का दीपक जलाएं।